हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस। और आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल और नाइन्थ के लिए कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस सेट में जो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ उसमें मैं उस क्रम में मैं आपको दो प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ और आज मैं आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आसानी से अपनी तैयारी करते रहें और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं और ये चैप्टर है संचार के प्रकार एवं माध्यम, यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया कह सकते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम कह सकते हैं। तो संचार के जो माध्यम हैं वो क्या होते हैं उसको लेकर के ये है। और देखें, सबसे पहले इसमें दिया गया है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें नंबर वन है संचार के प्रकार। संचार जो हैं, मैंने पहले भी जो आपको डिटेल से चैप्टर पढ़ाया था तो बता दिया होगा कि संचार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है लिखित संचार और एक होता है मौखिक संचार। ठीक है, अब नाम से लग रहा होगा आप लोगों को कि जैसे हम कोई भी संचार का मीन्स क्या होता है, अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, उसे हम संचार कहते हैं। सपोज़ दैट हम किसी भी चीज़ को लिख करके, चाहे हम पत्र में लिखें, चाहे हम फैक्स करें, चाहे हम ईमेल करें, चाहे हम एसएमएस लिखें, चाहे व्हाट्सएप का मैसेज करें, अगर हम लिख करके एसएमएस कर रहे हैं किसी को तो वो जो डाटा हमारा जाता है वो रिटन में जाता है, लिखित रूप में जाता है, इसलिए उसको लिखित संचार कहा जाता है। और मौखिक संचार वो होता है जो कि डायरेक्ट बोल करके लोग अपनी बातों को, जैसे आमने सामने किसी से बात कर लेना मौखिक संचार हो गया, टेलीफोन से बात कर लेना, इंटरकॉम से बात करना, मोबाइल फ़ोन से बात कर लेना, कंप्यूटर से वॉइस चैटिंग है या वीडियो कॉल जो भी है, यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आपस बोल के बात करते हैं तो वो होता है मौखिक संचार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं संचार के माध्यम। ठीक है, संचार के जो माध्यम होते हैं यानी संचार किस किस माध्यम से होता है, तो संचार के माध्यम दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको इसके पहले वाली जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था कि एक तो होता है गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया और एक होता है अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। गाइडेड कमिंस वो होता है जिसमें कि तार होते हैं, तारों के माध्यम से हम अपने डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। और अनगाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें कि हम वेव्स के द्वारा, तरंगों के माध्यम से अपने डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो ये संचार के माध्यम हो गए। ठीक है, एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, डिटेल से मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि पूरा डिटेल मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था डिटेल से तो बता दिया था और इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको वहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संचार की अवस्थाएँ दी गई हैं कि संचार किन किन अवस्थाओं में होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। ये तीन प्रकार के संचार की अवस्थाएं होती हैं, एक होता है सिंप्लेक्स, मैंने यहाँ लिख रखा है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो आप सिंपली इसको समझ लें कि कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में क्या अंतर है या फिर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, बहुत ही आसान है ये, कुछ इसमें टफ नहीं है, ईजिली आप लोग समझ जाओगे। देखिए, ये सेंडर मींस भेजने वाला है और ये प्राप्त करने वाला है, रिसीवर है। तो जब कोई व्यक्ति भेजता है और जिधर वो सूचना जाती है एक ही माध्यम, एक ही तरफ से जा सकती है, यानी कि उसमें संचार जो होता है उसमें डाटा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ही जाता है, दोनों साइड में नहीं जाता, तो उसे हम संचार की सिंप्लेक्स अवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दें, जैसे कि लोग रेडियो सुनते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो रेडियो होता है, या हम लोग टेलीविज़न देखते हैं टीवी, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डाटा होता है वो सिर्फ मेरे तरफ आ रहा होता है। सपोज़ दैट कोई न्यूज़, अगर हम कोई न्यूज़ सुन रहे हैं तो न्यूज़ हमें जो सुना रहा है वो सिर्फ अपनी बात ही बताएगा, क्या हम उसको कुछ कह सकते हैं, यानी हम उसको कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि डाटा वो सिर्फ एक स्थान से
मेरे तरफ ही आ रहा है, मेरे तरफ से उनकी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो संचार की ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स। ठीक है, फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मीन्स आप ऐसे मान लो, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो एक पतला सा पुल है ट्रेन का, एक पुल है उस पर ट्रेन की लाइन है, और वो पुल इतना पतला है कि उस पर एक ही लाइन बनी है ट्रेन की। तो उस पर ऐसा नहीं है कि ट्रेन एक ही साइड से आएगी, ट्रेन तो दोनों साइड से आएगी, यानी कि अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी, बट है क्या, एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेन अगर वो अप हो जा रही होगी तो डाउन को उस समय रुकना पड़ेगा। ठीक है, और जब वो डाउन जा रही होगी तो अप को रुकना पड़ेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि हाफ डुप्लेक्स में होता क्या है कि डाटा जाता तो दोनों तरफ से है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही तरफ जाता है। ठीक, यानी जब तक एक बार एक सेंडर से डाटा रिसीवर की तरफ जा रहा है, तब तक रिसीवर अपनी तरफ से सेंडर को कुछ नहीं भेज सकता। जब वो सेंडर का डाटा रिसीवर को मिल जाएगा, जब ये लाइन क्लियर हो जाएगी, तब रिसीवर अपने डाटा को सेंडर के लिए भेज सकता है। ठीक है, फिर आगे है फुल डुप्लेक्स। अब इसका नाम से लग रहा फुल डुप्लेक्स, इसमें ऐसा होता है कि जो डाटा होता है वो दोनों तरफ से दोनों साइड से जाता है। जैसे कि हम लोग मान सकते हैं मोबाइल से अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो मोबाइल से हम बात करते हैं तो हमें जिससे बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है, और वो भी हमारी आवाज़ सुन लेता है, वो ही बोल देता है बीच में, हम भी बोल देते हैं। दोनों तरफ से डाटा एक ही समय में डाटा दोनों तरफ से आ जा रहा है, उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका बना हुआ है, ये हो गया फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने कहा वो भी आप लोगों को बता दूँ, ये है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, स्टूडेंट्स सोचते हैं सर बहुत ही टफ होगा, क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कोई कठिन चीज़ नहीं है। टोपोलॉजी क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स जो हम आपस में जोड़ते हैं, तो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की जो भौगोलिक अवस्था होती है, मीन्स कंप्यूटर्स को हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, किस ढंग से हम कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हैं जिससे कि हमारा नेटवर्क बन जाए, और उसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब वो कई प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी। बस का मीन्स मैंने उस समय पढ़ाया था आप लोगों को कि एक लंबा सा तार डाल दिया जाता है और उसके दोनों साइड में कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बस टोपोलॉजी। फिर स्टार टोपोलॉजी, इसमें बीच में एक कंप्यूटर होता है, उससे सभी जुड़े होते हैं। रिंग, सारे कंप्यूटर अपने से आगे वाले से अपने से पीछे वाले से जुड़े होते हैं। ट्री का मतलब एक लंबी सी लाइन डाल दी जाती है, और ऐसे पेड़ में ब्रांचेज निकली होती हैं शाखाएं, वैसे शाखाएं निकाल के तार के उसमें कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और मैश के कई नाम हैं, मैश भी कहते हैं, कम्प्लीटली कनेक्टेड भी कहते हैं, पीयर टू पीयर भी कहते हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट भी कहते हैं। ये जो टोपोलॉजी है, इसमें सारे कंप्यूटर्स हर एक दूसरे से हर पॉइंट से जुड़े होते हैं, कहीं से कनेक्टिविटी उसमें ऐसा नहीं कि ना हो। ठीक, तो ये पाँच प्रकार की जो टोपोलॉजी है, यानी कि कंप्यूटर को जोड़ने की जो व्यवस्था है, वो यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखें सबसे पहला प्रश्न है, किसमें प्रत्येक बिट को एक के बाद एक भेजा जाता है। देखिए ये इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट मैंने दिया था, उसमें था क्रमिक ट्रांसमिशन, यानी क्रम से भेजा जाता है। ठीक है, ये पहले वाला रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर है उपग्रह संचार किस टोपोलॉजी पर आधारित है, तो उपग्रह संचार स्टार टोपोलॉजी पर आधारित है। फिर इंटरनेट है, क्या है इंटरनेट, तो इंटरनेट है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत ही विस्तृत रूप में फैला हुआ नेटवर्क है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। फिर OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल जो होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। फिर केंद्रीय कंप्यूटर किस नेटवर्क में होता है, यानी कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी ऐसी इसमें कि कंप्यूटर बीच में रखा होता है, तो स्टार टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें कंप्यूटर बीच में रखा होता है। कंप्यूटर संचार में दोनों दिशाओं में होने वाला संचार को कहते हैं, दोनों साइड में जो संचार होता है उसको क्या कहते हैं हम, फुल डुप्लेक्स। यानी इधर से अभी मैंने जस्ट मिनट समझाया आपको पहले, कि जिसमें दोनों साइड से डाटा आता जाता है उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। तो ये फुल डुप्लेक्स इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीमित क्षेत्र में के नेटवर्क को कहते हैं, सीमित क्षेत्र में से एक बहुत ज़्यादा दूरी का ना हो, एक लिमिटेड एरिया का हो, तो उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन, मीन्स इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है।
ठीक है, ये भी स्टार टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, एक बीच में सर्वर रखा होता है, उसी सर्वर से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। अगर वो सर्वर ख़राब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है फाइल ट्रांसफ़र किस स्तर का फंक्शन है। फाइल ट्रांसफ़र ये भी क्वेश्चन कल जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला जो आपका प्रैक्टिस सेट उसमें रिपीट हुआ है, सेशन फंक्शन है ये। और ट्रांसपॉन्ड भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसको हम सैटेलाइट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर। टेलीफोन है, इंटरकॉम है, वॉइस चैट है आदि किस कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। तो ये टेलीफोन से हम बात करते हैं ना, इंटरकॉम से बात करते हैं, चैट से हम बात करते हैं। तो लिखित नहीं है ये, काल्पनिक भी नहीं है, ये मौखिक है, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है सेकंड है, गाइडेड मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है। गाइडेड मीडिया जो है उसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैंने डिटेल से पढ़ाया था, आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ भी है, इसके आंसर भी हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल ऑप्टिक केबल है। ठीक है, यानी कि ट्विस्टेड पेयर वो होता है जैसे कि हम लोगों की जो लाइट वाली डोरी होती है उसमें पे जो केबल आपस में जुड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर से एक केबल चढ़ा होता है, वो ब्लैक कलर का। कोएक्सियल केबल वो होता है जो कि डिस्क में हम लोग यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल होता है। और फाइबर ऑप्टिक जिसमें कि फाइबर के वो तंतु जो हैं वो लगे होते हैं केबल में, जो कि मोस्टली डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संचार माध्यम से डाटा प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, तो प्रकाश तरंगों के रूप में डाटा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ही जाता है, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में किस मीडिया का प्रयोग होता है। तो गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अनगाइडेड का मीन्स तरंगों वाला, यानी इसमें अनगाइडेड का ही प्रयोग होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है। ठीक है, ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो बिना केबल के, बिना तार के हमें नेटवर्क से जोड़ देती है, उसे हम कहते हैं वायरलेस, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 2019 में भी आया है, 2020 के एग्ज़ाम में भी ऐसे आया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें। लिखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रसार क्षेत्र सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा प्रसार क्षेत्र किस तरंग, किन तरंग का होता है, ये कल क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। या यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करता है। ठीक है, तो सैटेलाइट ऐसा है जिसकी तरंगें बहुत दूर तक जाती हैं, तो सैटेलाइट इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला। ये सैटेलाइट ऐसा नेटवर्क है जो कि अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। अब अतिलघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है, सिस्टम संचार सिस्टम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, संचार सिस्टम क्या होता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। सेंडर तथा रिसीवर के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यानी जो भेजने वाला है, जो प्राप्त करने वाला है, उसके बीच में जो सूचनाएँ आ जा रही हैं उनको हम कहेंगे संचार सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, संचार के प्रकार को संक्षेप में बताइए, समझाइए। संचार के प्रकार शॉर्ट में बताने हैं, दो प्रकार होते हैं, बताया था पहले भी, मौखिक होता है और लिखित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संचार माध्यम का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जिस माध्यम के द्वारा सेंडर तथा रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन संभव होता है, संचार माध्यम कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोकल एरिया में डाटा के प्रवाह के किस कम्युनिकेशन मीडिया के लिए किस कम्युनिकेशन मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है। तो लोकल एरिया में मोस्टली देखा जाता क्या है, तार से ही हम जोड़ते हैं, तो गाइडेड मीडिया जो है वो तार के लिए ही कहा जाता है। तार के द्वारा जो संचार हम करते हैं उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। तो लोकल एरिया चूँकि थोड़े से 1 या 1.5 किलोमीटर की रेंज में बनाया जाता है लैन, तो उसमें तार के माध्यम से ही कंप्यूटर्स को जोड़ लिया जाता है। ठीक है,
शेल्डी तकनीक किस प्रकार के केबल में प्रयोग की जाती है? तो शेल्डी तकनीक जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है उसमें प्रयोग की जाती है। ट्विस्टेड पेयर मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे कि लाइट वाला केबल होता है जिसमें कि दो तार आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, ऊपर से उसके कवर चढ़ा होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। फिर बताते हैं अगला है ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है। इस तकनीक में धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार के कांच या प्लास्टिक के फाइबर यानी तंतु जो होते हैं फाइबर, वो कांच के भी हो सकते हैं प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, का उपयोग डाटा संचार के लिए करते हैं। इस केबल का प्रयोग टेली कम्युनिकेशन तथा नेटवर्किंग के लिए होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बेतार संचार यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या ऐसे आ सकता है, ये 2016 में इस टाइप से आया था और 2018 में ऐसे आया है, बेतार कम्युनिकेशन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। जो कम्युनिकेशन बिना तार के द्वारा संपन्न होता है उसे बेतार का कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है, यानी इसमें तार ना हो, तरंगों के माध्यम से हो। रेडियो वेव ट्रांसमिशन की परिभाषा लिखिए। जब सेंडर तथा रिसीवर यानी भेजने वाला और प्राप्त करने वाला रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं उसे रेडियो वेव ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेशन के किन्हीं दो अनुप्रयोगों को बताइए। कोई इसके दो अनुप्रयोग बताने हैं तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, ई शॉपिंग कि हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जिसको ई कॉमर्स भी कहते हैं, ई बिजनेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम शॉपिंग कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संभव हो पाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है यानी वीडियो चैट हम कह सकते हैं, या वीडियो कॉल, वीडियो मीटिंग जो होती है, जैसे आजकल वीडियो जो गूगल मीट से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मीटिंग होती है, तो ये सब कम्युनिकेशन के द्वारा ही संभव हो पाया है, उसी के ये अनुप्रयोग हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला उसमें है डाटा संचार की इकाई की चर्चा कीजिए। डाटा संचार की इकाई चर्चा मीन्स क्या हुआ, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं चर्चा किया जाए, बस डाटा संचार की इकाई क्या होती है, बिट होती है, ठीक है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, ठीक। अवस्थाएं अभी पीछे बता चुके हैं संचार की, तीन होती हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। मेन का भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है, मेन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, यानी किसी भी महानगर में फैला हुआ नेटवर्क होता है और लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक वो अपना जाल बिछा सकता है, ठीक है। प्रोटोकॉल मैंने कल भी आपको बताया था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, प्रोटोकॉल कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन नेटवर्क में स्थित सभी तत्वों को करना होता है, ठीक है। सूचना राजपथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेस्टेंट, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है एग्जाम में कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ हिंदी में हम इंटरनेट को ही कहते हैं, यानी सूचना का हाईवे, इंफॉर्मेशन का हाईवे, तो उसे इंटरनेट को ही कहा जाता है। वर्क स्टेशन किसे कहते हैं, वर्क स्टेशन क्या होता है कि जो वे कंप्यूटर्स जो किसी नेटवर्क में सर्वर से जितने कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है, उन सभी कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं। उनके और नाम भी देखो यहाँ दिए गए हैं, उनको हम नोड भी कहते हैं, उनको हम क्लाइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो तीन नाम हैं, वर्क स्टेशन, नोड और क्लाइंट, ये वो कंप्यूटर्स हैं जो किसी नेटवर्क में सर्वर से जुड़े होते हैं। संचार के माध्यम के नाम लिखने हैं तो निर्देशित यानी गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। फिर क्या है, ब्रिज क्या है, छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए एक ब्रिज का प्रयोग किया जाता है जिससे उन्हें एक बड़े नेटवर्क में बदला जाता है, यानी कुछ जैसे कि बहुत से लोग हैं, किसी ने अपना छोटा नेटवर्क बनाया, किसी ने अपना छोटा नेटवर्क बना लिया, उन सभी को आपस में जोड़ दिया जाए जिससे एक बड़ा नेटवर्क बन जाए, जैसे इंटरनेट है, तो उसे हम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। डाटा को प्रकाश तरंगों के रूप में किस संचार माध्यम में से प्रेषित करते हैं, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है उसमें प्रकाश तरंगों के माध्यम से डाटा जाता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, लैन में डाटा संचरण की गति कितनी होती है, तो लैन में डाटा संचरण की गति लगभग 100 Mbps यानी मेगा बाइट प्रति सेकंड से लेकर के 2
गीगाबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपका ये थर्ड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है, आप इसको पढ़ें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।